पहचाने, ये रानी पोखरी। और ये, और गाइस मैं फाइनली अपना रोड क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन यार ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा नए ब्लॉग में आप लोग सभी को। दोस्त मैं इधर निकला था ब्लॉग बनाने के लिए, थोड़ा इधर काठमांडे का लोकल जो जगह है वहाँ पे थोड़ा घूमने के लिए, कैसा है व्यू वहाँ का। लेकिन दोस्त यहाँ पे पानी पड़ा, देखिए पानी का माहौल पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। अभी जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और बारिश का पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ये जो है बारिश लगातार हो रहा है। तो भाई थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं अगर बारिश छूट गया तो मैं आपको यहाँ का लोकल जो जो एरिया है वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा, और कोशिश करूँगा कुछ अच्छा ही दिखाने के लिए आपको। तो गाइस मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। तो गाइस यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है यहाँ का। ये लोकल जगह है दोस्त, जहाँ पे कुछ खाने का चीज़ दुकान सब बहुत है यहाँ कपड़े का। और फाइनली गाइस हम लोग थोड़ा इधर घूम रहे हैं, और मैं घूमते घूमते आ गया थोड़ा इधर मार्केट के थोड़ा ज़्यादा ही अंदर आ गया। इधर दोस्त बहुत भीड़ है यहाँ पे, और गाइस इधर नाइट में और अच्छा रहता है इधर घूमने के लिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है इधर। और दोस्त मैं अभी सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ, और घूमने में यार काफ़ी मज़ा आ रहा है, और मैं इधर घूमते घूमते ऊपर आ गया। बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़ का एरिया है। अभी भी बारिश हुआ है, लोग यहाँ पे छपरा लेके घूम रहे हैं। और दोस्त आप पहचाने ये जगह को, पहचाने नहीं पहचाने, ये रानी पोखरी। और ये यहाँ हम लोग का जो पहले राजा थे वो अपने रानी की याद में ये बनाए थे ये पोखरी, इसी का नाम है दोस्त रानी पोखरी। बहुत सुंदर व्यू है अभी भी इसका, और आप लोग कुछ इधर से भी दिखा दूँ कितना ट्रैफिक है, बहुत रश है यहाँ पे। और गाइस हम आप लोग यहाँ से चल रहे हैं थोड़ा सुंदरा, सुंदरा के लिए घूमने के लिए जाएंगे उधर। और सुंदरा भी बहुत अच्छा जगह है, यहाँ का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सुंदरा। पहले राजा लोग पहले बनाए थे, लेकिन बाद में जब गिर गया यहाँ वहाँ भूकंप में, तो उसके बाद फिर हमारा यहाँ का जो नेपाल गवर्नमेंट है तो फाइनली बना के दिए हैं अभी, और वो पब्लिकली ओपन है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको घुमाने के लिए सुंदरा। तो चलिए दोस्त हम लोग अभी ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए और अपना रोड वे क्रॉस करते हैं। और गाइस मैं फाइनली अपना रोड क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन यार ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर, और यार मज़ा आ रहा है इधर घूमते घूमते। और कहीं पर बारिश, कहीं पर सनलाइट, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। और ये दोस्त जगह है जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह, ये एक स्टेज है जैसे कोई बड़ा इवेंट हो गया या कोई कल्चरल इवेंट आ गया तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे हमेशा प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे होता रहता है। और ये दोस्त रत्न पार्क के एरिया में है, ये जो रत्न पार्क है उसी के अंदर है, ये उसी के अंदर ये पड़ता है। और गाइस जितना भीड़ भाड़ है उतना ही लोग यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा से घूम भी रहे हैं लोग, अपने लाइफ का इंजॉय भी कर रहे हैं लोग। काफ़ी अच्छा रोमांचक माहौल है, और इवनिंग का टाइम है, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक भी है यहाँ पे, काफ़ी शानदार ट्रैफिक है। और दोस्त अभी हम लोग घूम रहे हैं काठमांडू का रत्न पार्क, और फाइनली गाइस मैं आप लोगों को दिखाने लेके चल रहा हूँ सुंदरा, जो यहाँ का बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और काफ़ी अच्छा जगह है दोस्त, आप लोगों को दिखाऊँगा। और यहाँ के जो नेपाल गवर्नमेंट है हाल ही में उसको बनाया है, और वो बिल्कुल फ्रेश है और पब्लिकली ओपन कर दिया गया है। तो गाइस फाइनली आपको हम लेके चलते हैं उसको दिखाने के लिए, सो वेलकम सुंदरा प्लेस। और दोस्त ये यहाँ का लोकल मार्केट है, छोटा छोटा दुकान है, और छोटे छोटे में ही ये लोग सब चीज़ अरेंज करके रखते हैं, बहुत अच्छा यूनिक व्यू है। और दोस्त ये आप लोग को बता दूँ ये आर्मी हॉस्पिटल है दोस्त। और दोस्त आप ये जगह पहचाने नहीं पहचाने, अब देखिए दोस्त कभी भी गवर्नमेंट जो चेंज होता है या कुछ होता है तो यहीं पर आके वो लोग शपथ ग्रहण करते हैं। और ये रत्न पार्क है, पूरा मिलिट्री एरिया है, लेकिन ये पब्लिकली ओपन नहीं है, लेकिन फिर भी घूमने के लिए ये जगह अभी क्लोज है। आपको कहाँ जाना है, कतार जाना है, दुबई जाना है, लंदन जाना है, यूएस जाना है, कहाँ जाना है इसको संपर्क कीजिए। याद आया हमारा नेपाल एयरलाइंस, ये दोस्त नेपाल एयरलाइंस का हेडक्वार्टर पार्क के अंदर। काफ़ी शांत माहौल है, काठमांडू जितना बिजी सिटी है उतना ही शांत रत्न पार्क। और हमारा काठमांडू का व्यू कुछ इस तरह,
लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट। क्रिकेट यार वर्ल्ड फेमस है यार। और यहाँ से सुंदरा कितना अच्छा से दिख रहा है, सुंदरा भवन भी दिख रहा है यहाँ से। और फाइनली दोस्त या ये जगह पता है ना आपको ये जगह दोस्त। और यार मैं घूमते घूमते आ गया आप लोगों को लेके सुंदरा के पास। ये देखिए ये सुंदरा दोस्त, ये पब्लिक के लिए अभी बंद है, पब्लिक के लिए अभी ओपन नहीं है। अगर ओपन होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर अंदर का भी व्यू दिखाता और उसके ऊपर से जो काठमांडू कैसा दिखता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता। फिलहाल ये अभी बंद है लेकिन खुलेगा, तुरंत खुलेगा। अभी इसका नेक्स्ट अनाउंसमेंट अभी वेटिंग में है तो ये ज़रूर खुलेगा। ये देखिए दोस्त सुंदरा का व्यू कितना अच्छा है। और ये उसका साइड में कुछ ऐसा बिल्डिंग शब्द है और काफ़ी बढ़िया व्यू है, देखने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फाइनली दोस्त अभी हम लोग पहुँच गए थे शैम्बू के पास, पहुँच गए हैं और काफ़ी नज़दीक है। और यार वो पब्लिकली ओपन नहीं है इसलिए मैं आपको वहाँ पर चढ़ के आप लोग को मैं नहीं काठमांडू का व्यू मैं आप लोग को नहीं दिखा सका। लेकिन दोस्त व्यू टावर जो है वो पब्लिकली ओपन है। तो गाइज मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में व्यू टावर का व्यू आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्त यह था हमारा कुछ काठमांडू लोकल मार्केट और लोकल जो रोड है वहाँ पे उसका नज़ारा और हमारा सुंदरा जो भी है वैसा दिख रहा है। और मैं इसको अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आया नहीं। तो गाइज कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग, प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट। और मेरे चैनल को नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आप मेरा नया अपडेट आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।